नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनोप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हर रविवार की तरह इस बार भी शहर के जागृत युवाओं के संगठन हम हैं इंसान की टीम ने सागर के सिविल लाइन कैंट मॉल में श्रमदान कर पुलवामा हमले के शहीद हुए जवानों को सुंदर कलाकृतियों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। शहीदों के सम्मान में ही राष्ट्र का सम्मान है, न केवल शहीदों के प्रति बल्कि उनके परिजनों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए। कैंट प्रशासन एवं हम हैं इंसान टीम के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं ने कैंट मॉल की दीवारों को रंग रोधन कर सुंदर आकृतियों एवं स्वच्छता के संदेश लिखकर मॉल को राष्ट्रभक्ति की थीम से सजा दिया और आसपास दिख रही गंदगी को साफ करके शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। टीम की सदस्य अंजलि ने बताया कि नगर निगम द्वारा पीटीसी ग्राउंड की दीवारों की आकृतियों को मिटा देने के चलते हमने निर्णय लिया कि निगम की सीमा में कोई कार्य नहीं करेंगे, परंतु अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान इसी ऊर्जा के साथ जारी रहेगा। शहर के लगभग 70 से अधिक युवाओं ने इस अभियान में शामिल होकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के कार्य को आगे बढ़ाया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। यही है कि हम ऐसी जगह को चुनेंगे जहाँ गवर्नमेंट का कोई भी रोक टोक ना हो। जैसे पीटीसी में आप लोग सभी को पता ही है कि हमने जो भी काम किया था उसको बुरी तरह ख़त्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो हम ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ पे और लोगों का सपोर्ट मिले हम लोगों को और हम लोग और भी अच्छा काम करके दिखा सके। जैसे सफाई हो गई, पेंटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग फिर आगे भी करेंगे और उसी एनर्जी के साथ करेंगे। पेंटिंग के अलावा और भी कुछ काम आप लोग करने जा रहे हैं? पेंटिंग के अलावा हम लोग डोर टू डोर जाके बात करने वाले, लोगों को बताने वाले हैं कि सफाई कितना ज़रूरी है और हम कितनी मेहनत करते हैं। आप अभी भी देखेंगे कई जगह हमने काम किया पर लोग थूक के चले जाते हैं उस पर या गंदगी वहाँ भी मचा रहे हैं। तो हम शायद एक बार फेस टू फेस बात करेंगे तो शायद लोगों को एहसास हो कि हम कितना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी लोग बिल्कुल बाज नहीं आते और उस पर गंदगी मचाते। तो हम एक बार उनसे डायरेक्टली बात करना चाहेंगे। हमारे और भी प्लान्स हैं जो हम आगे उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। सफाई तो हम करते ही आ रहे हैं, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग करते आ रहे हैं और हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी बताना चाहेंगे लोगों को, तो आपको जल्द ही वो सब देखने को मिलेगा। थैंक यू। आज एक बार फिर से हम हैं इंसान की टीम, कैंट शॉपिंग मॉल में हम एकत्रित हुए। लगभग 50 से ज़्यादा युवा हमारे साथ आज अभियान में शामिल हुए और दो दिन पहले जो पुलवामा हमला हुआ था उसकी श्रद्धांजलि में आज हमने अपना अभियान समर्पित किया। यहाँ पे हमने पूरा देशभक्ति से रिलेटेड जो भी हम जवानों के लिए चित्रकारी के माध्यम से दिखा सकते थे हमने आज वो दिखाया है और आगे भी हमारे अभियान हर संडे की तरह होते रहेंगे। और हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निगम सीमा के बाहर आके अपना काम करें जिससे हमारा काम जो है वो सालों तक बरकरार रहे। और मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ जुड़ें और हम अपने शहर को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बना सकें। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।